हेलो दोस्तों, अभी आप ये आवाज़ सुन रहे हैं, ये बिना माइक की आवाज़ है, ठीक है। तो अभी आपने ये सुन ली होगी, इसके बाद हम माइक लगाते हैं, फिर आप आवाज़ चेक करें। तो दोस्तों फाइनली अभी आप ये वाली आवाज़ सुन रहे हैं, मैं बहुत ही ज़्यादा धीरे बोल रहा हूँ, लेकिन ये माइक की आवाज़ है। और इससे पहले आपने आवाज़ सुनी होगी वो बिना माइक की थी, उसमें आपके लिए कुछ चेंजिंग लगती होगी। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए यही बताऊँगा कि हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं और ये कितने रुपये का आता है, ठीक है, और कैसे मिलेगा। और उसके बाद आपके लिए मैं सारा कुछ इसका प्रोसेस बताऊंगा कि इसके लिए मतलब इसकी कितनी मतलब रेंज है, कितने मीटर तक ये कैमरे से मतलब कनेक्ट होकर अच्छी आवाज़ दे सकता है, ठीक है। तो आपके लिए ये आवाज़ कैसी लग रही है आप ये कमेंट करके बताएं, ठीक है। तो अभी आप सुन सकते हैं सारे डिब्बे के अंदर कुछ इस तरह से। यहाँ पे एक दो ट्रांसमीटर मिलते हैं, एक रिसीवर मिलता है। रिसीवर के लिए आपके लिए अगर आप फ़ोन से कनेक्ट करना चाहते हैं फ़ोन से कर लें, वरना आप DSLR से अपने कनेक्ट कर लें। इससे बहुत ही ज़्यादा तगड़ी आवाज़ मेरे लिए लग रही है, क्योंकि मैं पहले बिना मतलब उसके बिना माइक की वीडियो बनाता था, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजिंग लगती थी, बहुत इको मोड मतलब अच्छी आवाज़ नहीं आती थी। इससे बहुत ज़्यादा अच्छी आवाज़ आ रही है। तो दोस्तों अब मैं आपके लिए चेक करके दिखाऊंगा कि इसकी रेंज कितनी है, कितने मीटर तक मैं दूर जाऊंगा और इसकी आवाज़ आपके लिए सही देखने के लिए मिलेगी। तो वीडियो को स्टार्ट कर दें दोस्तों। वीडियो स्टार्ट होने से पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह की मज़ेदार वीडियो इस चैनल पर देखने के लिए आपके लिए मिलती रहती है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मैं जाता हूँ दूर, इधर जाऊंगा, ठीक है, और कैमरा मैं यहीं पर रहने देता हूं। अब इसकी आवाज़ आप खुद ही चेक करेंगे कि कहां तक इतनी इसकी मतलब अच्छी आवाज़ आ रही है, ठीक है। मैं जा रहा हूं इधर, ठीक है, तो आप इसकी आवाज़ चेक करते रहें, ठीक है, देख सकते हैं अभी इसकी आवाज़ कैसी आ रही है, आप बताना, ठीक है। मैं यहां से काफ़ी ज़्यादा दूर तक जा रहा हूं, ठीक है। अभी मैं आ गया हूं लगभग 40 मीटर के रेंज में आ चुका हूं, फिर भी आप देखें इसकी आवाज़ कैसी है, ठीक है। तो मैं अभी आप यहां देख सकते हैं लगभग 50 मीटर की दूरी पर आने वाला हूँ, आप इसकी आवाज़ बता कैसी है, ठीक है। आप इससे पता कर सकते हैं कि इसकी रेंज कितनी है। और मैं कुछ इधर इस तरफ घूमूंगा तो आपके लिए थोड़ी आवाज़ में प्रॉब्लम होने लगेगी, ठीक है। तो लगभग मैं हूँ यहाँ से 50 मीटर से ज़्यादा ही रेंज पे हूँ, लेकिन इसकी आवाज़ आपके लिए बताना, मैं मुझे ही कुछ नहीं पता कि इसकी आवाज़ जा रही होगी कैमरे में नहीं जा रही है। तो मैं यहाँ से वापस आ जाता हूँ, ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं जाता हूँ। तो आप यहाँ से मतलब इतनी रहने देते हैं, इसकी आवाज़ अब जाके चेक करता हूँ मैं कितनी है, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों आपने अभी इसकी रेंज भी चेक कर ली कि मैं कितनी दूर तक चला गया, लेकिन मैं यहाँ से कुछ मुड़ा था तो वहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी। अगर मैं कैमरे के सामने रहता हूँ तो बिल्कुल अच्छी आवाज़ आ रही थी, ठीक है। तो अब मैं आपके लिए बताऊँगा कि हम इसे कैसे यूज़ करेंगे, और इसके पैसे भी बता दूँ। मैंने ये दोस्तों अमेज़ॉन पर ये ऑनलाइन मंगाया था, ये मुझे पड़ा था 4699 रुपये, लगभग 47 रुपये का ये मुझे पड़ा था, ठीक है। इतने रुपये में मैंने ये ऑनलाइन मंगाया था। अब मैं इसे बताऊँगा आप इसे यूज़ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपकी इस तरह से इस डिब्बे में पैकिंग मिल जाएगी, ठीक है, और अगर आप इसे खोलोगे तो कुछ आपके लिए इस तरह से ये देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं इसमें आपके लिए एक ईयरफोन मिल जाएगी, और इसमें आपके लिए दो तीन डाटा केबल मिल जाएंगी, ठीक है। एंड्रॉयड की अलग है और DSLR की अलग है और आईफोन की अलग है, ठीक है। तो हमारे कुछ इस तरह से मिल जाएंगे। और इसे हम कैसे यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले आपके लिए मैंने बताया दो ट्रांसमीटर मिल जाएंगे, एक रिसीवर मिल जाएगा, तो इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे देख सकते हैं, ये है रिसीवर, ठीक है। ये रिसीवर लगेगा आपके मोबाइल में या फिर DSLR में लगाना पड़ेगा, ठीक है। और आपके लिए इसे मतलब यहाँ से पहले ऑन करना पड़ेगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर इस पर क्लिक करोगे तो ये यहाँ से ऑन हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ भी ऑन हो जाएगा, तो यहाँ पर ये लाइट देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिसीवर मैंने ऑन कर दिया, और उसके बाद आपके लिए क्या करना है, यहाँ से एक ये ट्रांसमीटर उठाना है, ठीक है। ट्रांसमीटर उठाने के बाद इसे भी सेम इसी तरह से इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से वो भी सेम इसी तरह से ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों में देख सकते हैं, दोनों में लाइट यहाँ पे जलने लगी है, ठीक है। इसमें भी लाइट जल रही है और इसमें भी लाइट जल रही है। तो आपके लिए करना है, यहाँ पे ये रिसीवर है, इसे आप फ़ोन में लगाना है, और आपके लिए अपने उसमें लगा लेना है DSLR में, जिसमें आप लगाना चाहते हैं उसमें आप लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके लिए जो अपने कॉलर माइक पे कॉलर पर ये लगा लेना है ट्रांसमीटर, और जो आपकी आवाज़ होगी वॉइस होगी डायरेक्ट वहाँ पर ट्रांसफ़र होने लगेगी, ठीक है, जिससे आपकी अच्छी सी एक आवाज़ आने लगेगी। तो इसमें तीन मोड में अलग अलग तरह से आप इसमें ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने इसकी रेंज भी चेक कर ली, मैंने रेंज भी बता दिया और यूज़ भी बता दिया, और सिंपल तरीके से इसे यहाँ से ऑफ़ करके इसे यहाँ से रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से दोबारा से आपको इस पर क्लिक करना है, और ये सिंपल तरीके से ये ऑफ़ हो जाएगा, इसकी लाइट बंद हो जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये भी ऑफ़ कर देता हूँ,